नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके की आज ये थर्ड वीक की वीडियो करंट अफेयर उत्तराखंड साप्ताहिक करंट अफेयर्स, ठीक है, 16 से 23 अगस्त जनवरी 2020 तक के जो करंट अफेयर घटना चक्र हैं सामसावें की, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। और इस महीने अगर जनवरी में 4 वीडियो कंप्लीट होंगी, जैसे ही कंप्लीट होंगी उसके बाद एक इसकी क्विज निकाली जाएगी, ठीक है। क्विज वीडियो को में शामिल सारे क्वेश्चनों को लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसकी एक क्विज कराई जाएगी। आप उसके लिए इसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, साप्ताहिक करंट अफेयर की सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर, ठीक है, समसामयिक की उत्तराखंड, ठीक है। इसके सबसे पहले आती है 16 जनवरी 2021 को, ठीक है। ये अच्छी बात रही कि 16 जनवरी 2021 से COVID-19 के वैक्सीन का टीकाकरण शुभारंभ किया गया है, ठीक है, पूरे देश में ही शुरू किया गया है 16 जनवरी 2021 से, ठीक है। देश का पहला टीका एम्स दिल्ली के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को लगाया गया, ठीक है। इसके बाद ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था, ठीक है, ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था के ने मनीष कुमार पंत को साइनिंग वर्ल्ड केयर, ठीक है, उत्तराखंड के एक पुलिसकर्मी है मनीष कुमार पंत, इन्हें साइनिंग वर्ल्ड केयर, ठीक है, साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड इन्हें लॉकडाउन में कई लोगों की विशेष मदद करने के लिए दिया गया है। मनीष कुमार पंत उत्तराखंड पुलिस विभाग में फायरमैन पद पर तैनात हैं, ठीक है। इन्हें कौन सा, ताइवान की एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है, उन्होंने क्या करा, मनीष कुमार पंत को साइनिंग वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। इसके बाद 15 जनवरी 2021 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 146वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। इस मौसम विज्ञान विभाग के बारे में हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुक्तेश्वर नैनीताल में डॉपलर रडार और हिमाचल के जो कुफरी जिला है, हिमाचल के कुफरी में डॉपलर मौसम रडार का शुभारंभ किया गया, ठीक है। जो वेदर डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए गए हैं उत्तराखंड में किया गया है मुक्तेश्वर नैनीताल जिले में और वो हिमाचल में कुफरी जिले में, ठीक है। इनका जो मौसम पूर्वानुमान 4 प्रकार से होता है, ठीक है, कभी भी मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वो 4 प्रकार से लगाया जाता है, सतही प्रेक्षण द्वारा, ऊपरी वायु प्रेक्षण द्वारा, रडार प्रेक्षण और अंतरिक्ष प्रेक्षण के द्वारा, ठीक है, उससे हमें मौसम की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद इसका जो उद्घाटन किया गया इन रडारों का उद्घाटन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, ठीक है, जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं केंद्र में, ठीक है। मुक्तेश्वर में प्रदेश का पहला रडार स्थापित किया गया, उत्तराखंड का पहला रडार स्थापित किया गया मुक्तेश्वर में। और ये मुक्तेश्वर कहाँ पड़ती है, नैनीताल में पड़ती है, ठीक है। उत्तराखंड में 3 रडार स्थापित किए जाएंगे, वो 3 रडार कहाँ स्थापित किए जाएंगे, पहला रडार स्थापित किया गया है मुक्तेश्वर नैनीताल में, दूसरा सुरकंडा में, तीसरा लैंसडाउन गढ़वाल में, ठीक है। तो सुरकंडा और गढ़वाल ये गढ़वाल में पड़ते हैं, ठीक है, और ये हो गया नैनीताल में कुमाऊं में, ठीक है। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसके बारे में, इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी, कितने में, 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी, इसने 146वां दिवस मनाया अपना स्थापना का, ठीक है। इस विषय को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है इस दिवस को, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था की ओर से उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 16 जनवरी 2021 को हिंदी साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। डॉक्टर निशंक वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार से सांसद हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल बनी दून विश्वविद्यालय की नई कुलपति, ठीक है, दून विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, ठीक है। 4 साल से रह चुकी हैं हिल्ट्रॉन की अध्यक्षीय और उनके लिखे 55 से अधिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं।
ठीक है, ये काफी जानी मानी प्रोफेसर रह चुकी हैं और ये अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की, ठीक है, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल। इसके बाद नेक्स्ट जो है पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित नवाजे जा चुके पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को लखनऊ में एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक जो एटीक्यू है, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के ने डॉक्टर जोशी को डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर जोशी हेस्को के संस्थापक हैं, हेस्को की स्थापना 1979 में एक विचाराधीन मतलब एक विचार किया गया 1979 में हेस्को की स्थापना की जाए, और जो इसकी वास्तविक स्थापना मिलकर काफी स्कूल के प्रधानाचार्य वगैरह से मिलकर इन्होंने की 1983 में, ठीक है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन है हेस्को का पूरा नाम, हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कन्वर्जेशन ऑर्गेनाइजेशन हेस्को, ठीक है। अनिल प्रकाश जोशी इसके मुख्य वो हैं, और जो डॉक्टर जोशी को पुरस्कार मिले हैं अभी तक 1999 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिला है, 2001 में सोशल साइंस अवार्ड मिला है, 2002 में मैन ऑफ द ईयर मिला है, 2004 में सतपाल मित्तल अवार्ड मिला है, 2006 में इन्हें पद्मश्री व जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 2007 में अवार्ड सिल्वर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, 2008 में महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इन्हें, 2016 में बायोटेक्नोलॉजी सोशल डेवलपमेंट अवार्ड मिला है, 2018 में अचीवर्स अवार्ड और 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अनिल जोशी को, ठीक है, पर्यावरणविद हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है राज्य में 95 गांव में आई एम विलेज, मैं एक गांव हूं, ठीक है, मैं एक गांव हूं कहां योजना चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है। राज्य में जो 95 गांव में आई एम विलेज का प्लान तैयार कर एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना आई एम विलेज 95 ब्लॉकों में आयोजित की जाएगी, हर ब्लॉक में एक गाँव चुना जाएगा, ठीक है, 95 गाँव में, ठीक है। चयनित कार्य क्या क्या होंगे, चयनित कार्य में गांव में खेती किसानी पशुपालन डेयरी से संबंधित अनेक कार्य किए जाएंगे इसके तहत, ठीक है, चुनिंदा गांव में, और चयनित गांव में इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाएंगे और 15 लाख की राशि दी जाएगी, इससे ये निम्न विकास कार्य क्रिय कराए जाएंगे, और इसके तहत 5 साल में 475 गाँव को चमकाने का लक्ष्य है, ठीक है, कितने 475 गांवों को चमकाने का लक्ष्य है। इसके बाद पहली महिला फाइटर, ठीक है, पहली महिला फाइटर है भावना कंठ, 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं ये, ठीक है, का नोट करने योग्य क्वेश्चन है, हमने बता दिया, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की 158वीं वर्षगांठ को उत्तराखंड में युवा चेतना दिवस, ठीक है, युवा चेतना दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कितने 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, युवा चेतना दिवस के रूप में उत्तराखंड में मनाया गया। इसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह जो प्रथम बार मनाया जा रहा है, सड़क सुरक्षा माह, ठीक है, उसी के अंतर्गत सड़क सुरक्षा सप्ताह में नई दिल्ली में सुरक्षित सफर के लिए देश के पर्वतीय राज्यों में सबसे कम रोडवेज बस दुर्घटनाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम को केंद्र सरकार ने पुरस्कृत किया है, ठीक है, और आयोजन इसका दिल्ली में हुआ, कार्यक्रम सड़क सुरक्षा माह के तहत हुआ, ठीक है, और सड़क एवं परिवहन पर इसकी जो अध्यक्षता जो इनके संचालन में सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परिवहन निगम के महाप्रबंधक जो है यहाँ के दीपक जैन को पुरस्कृत किया। यहाँ इस श्रेणी में 2 पुरस्कार मिले, 2 ट्रॉफी मिली और 1 लाख रुपये नगद धनराशि दी गई, ठीक है, और इसके तहत एक वर्ष में 2019-20 में जो प्रथम पुरस्कार मिला 2019-20 में पर्वतीय राज्यों में सबसे कम दुर्घटना के लिए, और दूसरा पिछले 3 वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2018-19 और 19-20 में सबसे कम दुर्घटना के लिए दूसरा पुरस्कार मिला, ठीक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो राज्य मंत्री हैं वो जनरल वीके सिंह हैं, ठीक है, और केंद्रीय सचिव जो हैं इसके गिरधर आर्मने हैं, और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं, एनएचएआई के चेयरमैन जो हैं एसएस सिंधु हैं, और रणवीर सिंह चौहान प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम हैं, ठीक है। इसके बाद जो 18 जनवरी 2021, ठीक है, 18 जनवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक ये माह मनाया जाएगा, ठीक है,
ठीक है सड़क सुरक्षा सप्ताह माह मनाया जाएगा। हर साल सड़क सुरक्षा माह जो मनाया जाता है जनवरी में मनाया जाता है, ये पहला माह है ठीक है 2021 में। तीन जो इसको इसकी थीम है वो है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा है ठीक है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में स्कूलों की स्थिति को उजागर करने के लिए सेल्फी विद स्कूल अभियान की शुरुआत की है ठीक है। उत्तराखंड राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, ठीक है जो नए निर्वाचित हैं, नरेश बंसल ने चंडीगढ़ में तेरा ही तेरा मिशन अस्पताल का शुभारंभ किया। यह जरूरतमंदों के लिए किफायती दाम पर विश्व स्तरीय सर्जरी उपलब्ध कराना है इसका उद्देश्य। नरेश बंसल हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उत्तराखंड में वैश्विक निविदा में भाग लेने के लिए जो ग्लोबल लेवल में क्या है निविदा में भाग लेने की अनुमति चीन की कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया है उत्तराखंड ने, ठीक है। उत्तराखंड में कोई भी वैश्विक अगर हमारी निविदा होती है तो उसमें चीन की कंपनियां भाग नहीं ले सकती हैं, ठीक है इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल को जयपुर के ट्री बैंक ग्लोबल ग्रीन जो है ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। प्रताप सिंह प्रताप पोखरियाल उत्तरकाशी जनपद के हैं, ठीक है प्रताप पोखरियाल पर्यावरण प्रेमी हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हाल ही में देहरादून में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि परिचय सम्मेलन का विषय पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का सशक्तिकरण है, ठीक है। मुख्य अतिथि इसके ओम बिड़ला थे, लोकसभा अध्यक्ष हैं जो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की कवायद शुरू हो चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें गढ़वाल स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी एक कैंपस में महिला विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है, ठीक है मंजूरी मांगी गई है। और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, डॉक्टर धन सिंह रावत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना, ठीक है बाल मित्र थाना देहरादून के डालनवाला कोतवाली में खोला गया है, ठीक है। इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इसका उद्देश्य क्या है, बाल अपराधियों को सुधारना है, ठीक है इस थाने में, और बच्चों की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ राहत कोष का भी घोषणा की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, और बाल संरक्षण अधिकार आयोग की जो अध्यक्षा है उषा नेगी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है रमेश सेमवाल की पुस्तक कामधेनु संहिता, ठीक है कामधेनु संहिता किसकी पुस्तक है, रमेश सेमवाल की, इसके नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया। रमेश सेमवाल एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं जो उत्तराखंड के ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। यह पुस्तक कामधेनु संहिता गाय पर आधारित है जो गाय का वैज्ञानिक महत्व आर्थिक महत्व और धार्मिक महत्व को बताती है। इस पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 18 जनवरी 2021 को किया, ठीक है कामधेनु संहिता, ठीक है पुस्तक का नाम है, रमेश चंद्र सेमवाल इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके बाद कोटाबाग गांव के जो बजुनिया हल्दू निवासी प्रगतिशील रमेश चंद्र जोशी के घर में बथुआ का पौधा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, ठीक है। बथुआ होता है, बथुआ एक सब्जी है, उसका पौधे का 18 फीट लंबा, ठीक है 18 फीट 3 इंच लंबा पौधा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है रमेश चंद्र जोशी जी के यहाँ, ठीक है। काश्तकार जोशी की सूचना पर उद्यान विभाग के कर्मचारी थे उनको सूचना दी, और उनके सूचना पर उन्होंने सीढ़ी से ना पाए पौधा, ठीक है 18 फीट 3 इंच लंबा पौधा था ये, ठीक है। सामान्य तौर पर काफी छोटे पौधे होते हैं इसके, ठीक है 1 फुट से बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये 18 फीट 3 इंच का पौधा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया बालिका दिवस पर एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी सृष्टि गोस्वामी। 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के दिन के लिए एक दिन की मुख्यमंत्री बनेंगी, ठीक है।
इसके बाद सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जनपद के दौलतपुर गांव की हैं और अभी बीएससी एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने देवी दोहरा मेला बग्वाल मेला, ठीक है, देवी दोहरा मेला को बग्वाल मेला भी बोलते हैं और पाषाण युद्ध होता है यहाँ पे, ठीक है, इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया है, ठीक है। माँ बाराही पीठ भी, शक्तिपीठ भी यहीं स्थित है, इसी इसी के प्रांगण में ही ये मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में शुरू होगा कीवी मिशन, कीवी, ठीक है, कीवी मिशन। तो उत्तराखंड में कीवी की खेती के लिए संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने जल्द ही कीवी मिशन की योजना शुरू करेगी, ठीक है। इसके कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल है वर्तमान में। ये जो कीवी मिशन है अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के सहयोग से लागू की जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पराक्रम दिवस पर, जो पराक्रम दिवस उत्तराखंड में सैन्य धाम का उद्घाटन किया गया पराक्रम दिवस पर, देहरादून के पुरकुल गांव में बनेगा सैन्य धाम, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाने का घोषणा की गई थी इस बार 23 जनवरी 2021 को, ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया उत्तराखंड में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना शुरू की गई है, जो वर्तमान में उत्तराखंड में मशरूम की कुल उत्पादन 13,500 मीट्रिक टन है उत्तराखंड में, और वर्तमान में जो उत्तराखंड में 143 मशरूम यूनिटें संचालित की गई है, ठीक है। तो इस सप्ताह का ये हमारा करंट अफेयर था, काफी महत्वपूर्ण। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो 31 जनवरी को आएगी, और इसके बाद 31 जनवरी के बाद जो हमारी ये चार वीडियो हो जाएंगी इस मंथ की, जनवरी माह की। इसमें हम इसके क्विज का आयोजन करेंगे, इस क्विज में हम इन सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, करंट अफेयर साप्ताहिक, करंट अफेयर वीकली, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑनलाइन स्टडी यूके को शेयर जरूर करें, ज़्यादा सपोर्ट ज़्यादा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।